गाइस बस ये लास्ट सूट है, उसके बाद मेरा काम डन हो जाएगा। वैसे तो मुझे नहीं पता ये सिंजन इतने बढ़िया बढ़िया सूट पहले तो घर पर लाया और अब लिटरली मैं भाई ये पता नहीं कहाँ पर इन सूट्स को लेकर जाएगा। अरे फंकी भैया, उससे आपका क्या मतलब है? जल्दी से सूट को लोड कर दे ट्रक पे। अरे भाई बस कर रहा हूँ, रुक तो जा। ये भाई साहब, सबसे पहला वाला जो गाइस सूट है वो रेड कैमरामैन का है, सेकंड वाला सन एलिमेंटल हैमरमैन का, और तीसरा वाला ना तो आपने देख ही लिया है, वो बर्गर मैन का है। चल भाई सिंचन, मेरा काम हो गया, अब जल्दी से पैसे निकाल। पैसे? अरे किस बात की पैसे? अरे मैंने तेरे सूट इतनी मेहनत से भाई ट्रक पे लोड किए हैं, तो पता भी है पूरे 3 घंटे लग गए मुझे, बड़ी सवाल हिफाजत से लाया हूँ मैं इनको। अच्छा, तो मतलब आप छोटा भाई बड़े भाई से मदद भी नहीं मांग सकता? मदद मांग ली तो पैसे चाहिए बड़े भाई को। अरे यार ये क्या कह रहा है तू, अगर तू मुझसे काम ना कराता तो कम से कम मैं अपनी जॉब पे जाके कुछ पैसे कमा सकता था ना। चल ज्यादा नहीं, $100 ही दे दे। आपको रुको, $100 नहीं कुछ कमाल के देता हूँ। ला जल्दी दे। अरे रुको घर से लाता हूँ। अरे तो पॉकेट में नहीं है क्या पैसे? नहीं नहीं, वो इतने बड़े पैसे हैं कि पॉकेट में नहीं आएंगे। वाह भाई गाइस, आज तो लगता है मैं अमीर हो जाऊंगा। सिंचन पक्का भाई कम से कम $1-2 हज़ार तो लेके ही आ रहा होगा, नहीं 10 हज़ार भी हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा पॉकेट में नहीं आ सकते वो पैसे। एक छोटा भाई बड़े भाई से मदद मांगता है तो पैसे मांग रहे हैं मुझसे, अभी बताता हूँ आपको, पैसे चाहिए ना। अबे ये तो गन क्यों लेकर आया मेरे पास? हाँ तू चाह क्या रहा है? ये चाह रहा हूँ मैं। सिंचन अबे यार पैसे नहीं देते तो मने कर दे। अरे आपको प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है? ये लीजिए पीजिए पीजिए, आपको पता भी है कितने घाटे में चल रहा हूँ मैं। हैं? अबे तू कौन से बिजनेस करने लग गया जो घाटे में चल रहा है तू? कम से कम ये तो बता दे इन सूट्स को कहाँ लेकर जा रहा है। आपसे कोई मतलब? गाइस सिंचन के बच्चे तुझे छोड़ूंगा नहीं। अजी पहले पकड़ के दिखाओ फ्रिंकी भैया कहीं गए। चलो गाइस चलिए चलते हैं, किसी को पता ना चलने पाए हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस मैं सिंचन को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा पूरा समय खराब किया, मेरे को पीट के गया लिटरली। मैं भाई शुक्रिया ही कह रहा था, कम से कम पेमेंट नहीं करनी थी तो मैं इसका पीछा करूंगा और जाकर भाई जितने भी इसके सूट्स है ना पता करूंगा ये कहाँ लेकर जा रहा है। मैंने सोचा ये स्टार्क मेंशन लेके जा रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली सारे सूट्स को, बट नहीं भाई ये माइनक्राफ्ट के रास्ते पे लाया है। गाइस ये कोई जादू टोना करने तो नहीं लाया इन सूट्स पे? भाई मेरे को तो डर लग रहा है, सिंचन ठीक भी तो है ना? गाइस चलो यहाँ पर देखते हैं। अरे मुझे लगता है बस 2 बजने वाले हैं। 2 बजने वाले हैं? अब इसका 2 बजने से क्या कनेक्शन है? बस मुझे 2 बजते ही माइन शॉप का रास्ता खोलना होगा और वहां पर जाकर अपने गुरुजी को बुलाना होगा। गुरुजी? अबे सिंचन के कौन गुरुजी है गाइस? एक मिनट गाइस, ये तो भाई साहब माइन शॉप के रास्ते को ब्लॉक नहीं भाई पूरा का पूरा फोड़ फाड़ दिया है और अभी अंदर जा रहा है। सिंचन भाई कुछ गड़बड़ मत कर लियो। अरे यार मुझे डर लग रहा है। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सिंचन असल में माइन शॉप में क्या करने गया है। अरे बापरे, जल्दी आइए गुरुजी जल्दी आइए, मेरे पास बहुत कम समय है, जल्दी आइए, आपके कमीशन भी हो जाएगी कम से कम $10 मिलियन। एक मिनट, कमीशन? अबे ये तो डॉक्टर मिक्सर है। और तूने मुझे इतने जरूरी काम से बुलाया, किसने बुलाया जल्दी बता। अरे मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके कुछ एलिमेंटल सोर्स को इकट्ठा किया है दुनिया की 3 कोनों में से, चौथा कोना रह गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। अब जल्दी से इन सारे सोर्स को पैसों में कन्वर्ट करो और जितना भी पैसा मिले उसमें से 10 मिलियन आप रख लेना। 10 मिलियन कमीशन दे रहा है ये मिक्सेट को इन सभी सूट्स को पैसों में बदलने की? ये सब कैसे पॉसिबल है भाई? ये मिक्सेट कोई जादूगर थोड़ी है जो पैसों में कन्वर्ट करेगा। और अब अच्छे ये हमारा व्हाट मिक्सेट के पास कोई ऐसी गन है? ओ भाई साहब इस सूट से इसको मिले और इससे 60 मिले भाई और इससे, ओ माय गॉड टोटल $160 मिलियन हो गए मिक्सर के पास। अजी कितने पैसे बने? 160 बने, जिसमें से कि 10 मिलियन मेरा और 150 ये हुआ बच्चे तेरा। ओ भाई साहब मिक्सर ने भाई 10 मिलियन कमीशन खाई है और 150 मिलियन सिंचन ले लिया, इतना सा बच्चा इतने पैसे का क्या करेगा। वाह ये तो पिज्जा मैन का एक सूट शॉप है, मैं तो 150 मिलियन का यही खरीदूंगा। 150 मिलियन का पिज्जा खरीद रहा है ये पागल हो गया है क्या? मेरी एज तो 18 करोड़ हो गई। ओ माय गॉड गाइस ये कोई ऑर्डिनरी पिज्जा नहीं है, ये टाइटन पिज्जा मैन है और इसकी एज ही देखिए आप 18 करोड़, और मेरी एज 29। भाई साहब पहले से भागता हूँ। अब कौन है ये नंगू पंगू बच्चा? भागो 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 भागो। ऑलराइट दोस्तों मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, अगर मुझे यहाँ पर सिंचन से बदला लिया। आप मुझसे बदला लेंगे? आप यहाँ कल भी जा रहे हैं? अरे बाप रे सिंचन ने सब सुन लिया, मेरे पिज्जा के साथ साथ कान भी बहुत बड़े, सब सुन लेता हूँ मैं। फेंकी भैया जला दिया। अरे ओ माय गॉड सिंचन तुझे छोड़ो
छोड़ूंगा नहीं, मैं खुले धमकी दे रहा हूँ तेरे को, तेरे से भी बेस्ट सूट लाऊंगा, फिर तेरे सूट से कंपेयर करूंगा। आपकी बस की, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हाँ गाइस, वैसे अगर मुझे डॉक्टर मैक्सिट के वो पैसों में कन्वर्ट करने वाली गन मिल जाए और सिंचन का वो फोन जिससे उसने पिज्जा मैन का सूट खरीदा है, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे है और ना ही मेरे पास फोन इस टाइप का। चलो जल्दी चलता हूँ। भाई ये मिक्सिट क्या कर रहा है? अरे बाप रे, आज का हिसाब तो कंप्लीट हुआ, अब जल्दी से जाता हूँ अपने दूसरे काम को कंप्लीट करना है। पता नहीं गाइस, ये डॉक्टर मिक्सिट इस माइन शाफ्ट की गुफा के अंदर क्या ही कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पर तो एक कैमरामैन का सूट भी है और एक गन है और साथ साथ में फोन। ऑलराइट गाइस, मेरा काम हो जाएगा, चलो जल्दी चलते हैं। मैं भी चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी डॉक्टर मिक्सिट, कुछ बढ़िया सूट में तो। हाँ ऑलराइट गाइस, मिक्सिट लगता है अपनी गन भूल गया। खैर मैंने गन भी ले ली और फोन भी ले लिया, और भाई टेस्टिंग के लिए सामने जो कैमरामैन का सूट है ना, इसी को कर। ओके हैं, सिर्फ एक डॉलर? अरे यार ये मिक्सिट तभी सूट को छोड़ के गया था, सिर्फ एक डॉलर का है? मैंने सोचा मिलियंस ऑफ डॉलर का तो होगा। खैर कोई नहीं, यहाँ पर गाइस हम शुरुआत छोटे से करेंगे, बहुत बड़े होके रहेंगे लिटरली में। भाई सबसे पहले हम निकालते हैं स्मार्टफोन। लाइक सब्सक्राइब टू अनलॉक गाइस, वेबसाइट अनलॉक करने के लिए प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, तब जाके ये वेबसाइट अनलॉक हो पाएगा। ऊपर लिख रहा है UFO मैन ए सूट शॉप। व्हाट, एक डॉलर में UFO मैन का सूट मिल रहा है भाई, वो भी एलियन वाला UFO लिटरली में। ये तो कोई नॉर्मल स्पेसशिप नहीं है, ये UFO है गाइस। और मेरी एज देखिए 29 से 88 हो चुकी है भाई, इसका मतलब गाइस अब भी तो हम UFO बन के उड़ भी पाएंगे। वो पावर्स कैसे यूज करनी है उसके बारे में पता लगा ही लेंगे। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि असल में शहर में क्या चल रहा है, क्या पता गाइस अपने काम का कुछ बढ़िया सा हो। जल्दी से निकालते हैं फोन। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, हमारे शहर को क्या हुआ है? जो चेयर पे बैठ कर उठ रहा है वो कभी उठने लायक नहीं बच रहा है, सब पट रहे मर रहे हैं। कोई भी चेयर पर मत बैठना, बैठ गए हो तो उठना मत, कोई बच्चा। ये क्या चल रहा है गाइस, ये किस तरह की अजीब सी न्यूज थी कि कोई चेयर पर बैठ रहा है और उठने के बाद कभी उठने लायक नहीं बच रहा है, मुझे पता करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर इस घर में तो कोई नहीं है, बट हाँ मुझे टेस्टिंग के लिए चेयर मिल चुकी है, तो क्या गाइस हम इस पे बैठें और उसके बाद उठकर देखें? अरे यार गाइस मैं मर ना जाऊं भाई मैं, वैसे मैंने UFO मैन का सूट पहन रखा है, मुझे क्या ही होगा। और गाइस मैं बैठ चुका हूं, अब उठ के देखते हैं। 1 2 ये मैं उठा और इस तरह से अरे भैया उठने का सोचा ही मैंने भाई, हिला भी नहीं था, उससे पहले ब्लास्ट हो गया। शुक्र है भाई मैं UFO मैन का सूट पहने हुआ था, वरना मेरा क्या हाल होता। बट ऐसा हो कैसे रहा है गाइस, अपने UFO को चेक करते हैं कि शहर में कहां कहां ये वारदात हो रही है। चलो मैंने अपना ड्रोन UFO एक्टिवेट कर लिया है, अभी तक तो शांति। ओम भाई साहब, हर घर में भाई साहब चेयर होती है, हम सब भी चेयर पर बैठते हैं और यहाँ पर जो चेयर पर बैठ रहा है वो उठने का सोच भी रहा है तो ब्लास्ट हो रहा है। ओ माय गॉड, मुझे रोकना पड़ेगा सब तबाही को, पता करना होगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, कौन इतना बड़ा खतरा फैला रहा है। अबे अवेंजर्स, अब तुम लोग उठोगे तो फटोगे, इसलिए चुपचाप जिंदगी भर यहीं बैठे रहो। अबे कैसी बातें कर रहा है भाई चेयरमैन, अबे हमने तेरी इतनी मदद की, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया था और तू अपने हाथों से मुझे तबाह कर रहा है। उड़ी कसम, ये कैसा पाप है, हल्क को कम से कम बर्गर खाने का टास्क दे देता, अगर ये होता टास्क कि बर्गर खाते रहो रुको मत, तो हल्क हमेशा जिंदा रहता। अबे बकवास बंद करो, रोत लो अवेंजर्स, अब रोते रहो। ओ भाई साहब हेलो चेयरमैन, ये क्या कर रहा है यार तू, तुझे दिख भी रहा है? अबे सब दिख रहा है मेरे को, ये अवेंजर्स ने मेरा बहुत यूज किया, हमेशा सुपर हीरोगिरी करते रहते हैं, अबे मैं दिखाऊंगा इस दुनिया को कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। नहीं नहीं तू ऐसा नहीं है मेरे भाई, कुछ तो गड़बड़ है गाइस, चेयरमैन ऐसा नहीं कर सकता। चेयरमैन तू बहुत अच्छा सुपर हीरो है, तूने मेरे साथ में कितनी बार इसके बेटीज को हराया। अरे अरे बाप रे फ्रैंकलिन, चेयरमैन असल में हमारा नहीं रहा, यह पता नहीं किसी और का हो चुका है। इसका क्या मतलब है, कुछ तो गड़बड़ है, हल्क को तो लगता है इसको किसी ने पसेस कर रखा है। अवेंजर्स कैसे हो? ओए मेरे चेयरमैन, और कैसी खातिरदारी चल रही है अवेंजर्स की? ब्लैक फ्रैंकलिन तू इधर क्या कर रहा है भाई? मैंने ही असल में चेयरमैन को कंट्रोल कर रखा है, अब से मैं इसका गुरु हूँ और अवेंजर्स इसके दुश्मन। फ्रैंकलिन मैंने बोला था ना भाई, हमारा नहीं किसी और का हो गया है। ब्लैक फ्रैंकलिन की बातें सुन रहा है या देख रहा है? अरे मैं तो डूब के मर जाऊं अगर एक बार चेयर से उठ जाऊं। अरे यार प्लीज ब्लैक फ्रैंकलिन, तेरी लड़ाई हमारे से भाई, चेयरमैन को क्यों खरीद रहा है इसमें? और चेयरमैन कहां जा रहा है? वो जा रहा है इस दुनिया को मुक्ति दिलाने, सारे अच्छे बुरे लोगों को पाप से मुक्त कराने। क्या? एक मिनट, इसका मतलब वो शहर में तबाही करेगा? बिल्कुल फ्रैंकलिन, तेरे लिए भी एक चेयर अरेंज करता हूं। बकवास बंद कर फ्रैंकलिन के बच्चे, मतलब ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे, अभी बताता हूं तेरे को मैं। अच्छा तू मेरी बहन बजाएगा? ले। अरे बाप रे,
ये तो पॉइजन वाली गन मार रहा है मेरे को सीधी। काफी मजा आ गया। अरे बाप रे, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे। गाइस एक मिनट, ये क्या कर रहा है, इतना खुश क्यों है? बस तुम्हारे पास यहाँ पर एक घंटा है, अगर तुम एक घंटे में चेयर से नहीं उठे तो भी फटने वाले हो, वरना उठने पे तो फटोगे। बहुत हो गया गाइस, आपको मेरी मदद करनी होगी, जल्दी कमेंट में एटी गेमर ओपी लिखिए, मैं यहाँ पर एक बड़ा सा यूएफओ स्पॉन करूंगा और इस ब्लैक फ्रैंकलिन बच्चे को अपने यूएफओ ट्रैप में फंसा दूंगा। क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? गाइस जल्दी एटी गेमर ओपी लिखिए आप, यूएफओ स्पॉनिंग अटैक ट्रैप। ऑलराइट गाइस, मेरा यूएफओ आ चुका है, अब इस ब्लैक फ्रैंकलिन ऊपर ले जाएगा। नहीं मम्मी, ये क्या हो रहा है? ये बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया, हल्को मजा आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ, लेट्स गो। हमने ब्लैक फ्रैंकलिन को तो ठिकाने लगा दिया, बट एक मिनट अवेंजर्स, अरे यार तुम लोग जल्दी से उठो, क्या कर रहे हो? गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन तो चलिए यहाँ पे है नहीं, फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, अगर हम चेयर से उठे तो भी मरेंगे, एक घंटे बाद नहीं उठेंगे तो भी मरेंगे, इसलिए शहर को तुझे बचाना होगा। इसका क्या मतलब है? उधर दूसरी तरफ चेयरमैन शहर में तबाही मचा रहा है, सबको अपनी चेयर पर बिठा बिठा के मार रहा है। बिल्कुल सही कहा। अरे बच्चे जल्दी जाए और जाकर चेयरमैन को हरा, अगर तूने चेयरमैन को हरा कर ठीक कर दिया तो उसके बाद चेयर पर लगे हुए जितने भी बॉम्ब है या फिर जितना भी स्पेल है वो सब हट जाएगा, फिर आराम से हम चेयर पर से उठ पाएंगे और बच पाएंगे। ओके गाइस, तो इस सबका एक ही सोल्यूशन है, हमें चेयरमैन को उसके दिमाग में वापस से लाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर पूरा असर हुआ पला है, अभी ब्लैक फ्रैंकलिन की काली बात होगा, तो इसलिए चलो जल्दी चलते हैं और जाकर हम चेयरमैन को सुधारते हैं। मेरा भाई चेयरमैन कहां पर गया? अबे लो, तुम सब के सब मरोगे, अब तुम्हारे कार में जो चेयर्स हैं वो भी फटेंगी। व्हाट? पहले तो भाई यार घर की चेयर फट रही थी, लेकिन अब कार वाली चेयर भी फट रही है। और ये लो सुपर चेयर लेजर अटैक, सुपर चेयर बॉम्ब अटैक, सुपर चेयर मिसाइल अटैक, हाँ, सुपर चेयर पंच अटैक भी मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा मैं। गाइस यार ये तो तबाही पे तबाही तबाही पे तबाही किए जा रहा है। अब तू कहां से आ गया फ्रैंकलिन? ले अरे इसने मेरे को कहां से देख लिया? देखा नहीं, तेरे को सुना था मैंने। चल अब निकल यहां से, तू भी मरने के लिए शुरू हो जा। ओ माय गॉड गाइस, मुझे यहां पर किसी भी हालत में जायंट यूएफओ मैन का सूट चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन अगर एक बार मैं चेयरमैन के सूट को हरा दूं उसके बाद पब्लिक ही खुश होकर मेरे को बहुत पैसा दे देगी। ये लो अब पूरी मेज बैंक की बिल्डिंग पर भी अटैक करूंगा, जहां जहां चेयर्स हैं हर जगह अटैक करूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे बाप रे गाइस, वैसे मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना मैं अवेंजर्स को कॉल करूं और उनसे बोलूं कि वो बैठे बैठे मेरे को पैसा ट्रांसफर कर दे। हाँ अरे मैं तो भूल ही गया था, वो जस्ट चेयर से उठ नहीं सकते बट चेयर पे बैठ के कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। कॉल किया मैंने। हाँ फ्रैंकलिन। अरे भाई मेरे को जल्दी से पैसा ट्रांसफर कर, मेरे को यहाँ पर इस चेयरमैन को हराना है। अच्छा ठीक है, मेरे पास जितने पैसे हैं ये कि मैं तेरे को ट्रांसफर। ऑलराइट गाइस, अपना काम हो गया, अपने को 25 मिलियन डॉलर टोनी दे दिए हैं, अब एक काम करते हैं जल्दी से 25 मिलियन डॉलर में कोई यूएफएन का बढ़िया सा सूट खरीदते हैं, उम्मीद करता हूँ इससे तो बढ़िया होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक डॉलर का है भाई, इसमें मतलब यूएफओ में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता। गाइस सेकंड वाला सूट है, व्हाट, क्या ये गोल्डन यूएफओ मैन का सूट है? अब भी खरीदते हैं, लेट्स गो। मेरी एज 25,000 और भाई मैं गोल्डन नहीं, मैं तो शायद फायर यूएफओ मैन बन गया। वैसे दिखने में गोल्डन लग रहा है बट भाई मैं फायर यूएफओ मैन हूँ। अबे क्या कर रहा है, कौन मार रहा है मेरे को इतना बुरा वाला? मैं फ्रैंकलिन हूँ। अबे तू इतना बड़ा कैसे हो गया, अभी इतना छोटा था? तेरे को नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये रे चेयरमैन, मैं तेरी अकल को ठिकाने लगा के रहूंगा। लेट्स गो गाइस, चेयरमैन की अच्छी खासी बैठ भाई। अबा ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? अरे मम्मी बचाओ मुझे। एक मिनट फ्रैंकलिन, क्या ये तू है? अरे हाँ मैं ही हूँ। अरे मेरे भाई, और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे बचाया, मैंने ना जाने कितने मासूम ही जानी ले ली। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भी इस दुनिया में बहुत कुछ बुरी चीजें हैं जिनको सुधारना है, इसलिए मेरे भाई तू हिम्मत मत हारना। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ये ले मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, प्लीज मुझे माफ कर देना। बिल्कुल मेरे भाई, वैसे भी वो सब ब्लैक फ्रैंकलिन का धरा था। लेट्स गो 30 मिलियन। अरे नहीं गाइस, नेक्स्ट सूट 50 मिलियन में, कोई नहीं। चेयरमैन तू यहाँ पर एक काम कर, जितने भी लोग मुसीबत में उनको बचा, बाकी मैं जाता हूँ 20 मिलियन डॉलर कनेक्ट कर लें। बाकी गाइस अब तो अवेंजर्स भी बच गए होंगे, आराम से उठ सकते हैं वो चेयर पे से। बाकी एक मिनट, की क्या और मजा आ गई? हाँ मजा आ गया। अरे जिन से भागे 3 साल बाद 3 साल, अरे याद आया, ये तो एक बार सिंचन को किडनैप करके ले गए थे तो मैंने इनको जेल में पकड़वाया था, ये जेल से छूट गए। अब ये बताता हूँ गाइस, अच्छी बात है जेल से छूट गए, अब मैं इन्हें ना जेल में नहीं रखूंगा, दुनिया से गायब कर दूंगा। अबे फ्रैंकलिन अच्छे मौके पे मिला है, अब तेरे को कीड़े की तरह मसल जाएंगे हम। ये आराम आगे मार दिया। अबे ये क्या किया तूने मेरे दोस्त के साथ? हाँ अभी बताता हूँ। ले दोस्त के मरने के बाद भी तालियां बजा रहा है। लेट्स गो गाइस, मैंने इन दोनों को पैसों में कन्वर्ट किया और टोटल मेरे पास हो चुका है 50। वो दोनों गोल्डन एडवेंचर हल्के, तभी मेरे को इतना पैसा मिला है। 50 मिलियन डॉलर में अपने को एक थर्ड सूट मिल रहा है, एंड गाइस ये बहुत ऑसम होने वाला है, आई थिंक, क्योंकि ये पिछले, ओ माई गॉड
ओ भाई साहब, ये तो एक आर्मी वाला, ओ भाई साहब ये तो आर्मी एलिमेंटल यूएफओ मैन का सूट है, मेरी ये सीधे 5 लाख ईयर्स, क्या बात है। और बाकी मुझे बचाओ, है एक मिनट, ये किसकी आवाज है? और हमारा डॉक्टर मैक्सिटो, और बच्चा फ्रैंकलिन जल्दी से मेरी दुनिया में आ। इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। मैक्सिटो आप कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहे। और तेरे को जल्दी से एक ड्रिल मशीन लेनी होगी, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके जहाँ तू खड़ा है वहीं पर खुदाई करनी होगी। जैसे तू खुदाई करेगा खड्डा खुलेगा, खड्डे में तू कूदेगा और मेरी दुनिया में पहुंच जाएगा। अपसाइड वर्ल्ड बोलते हैं उसको। भाई साहब डॉक्टर मैक्सिटो हमारी धरती के नीचे कोई दुनिया है, उसमें कैद पड़े, ये सब क्या चल रहा है? गाइस मुझे जल्दी से इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके यहाँ के जमीन को खोदना पड़ेगा, लेट्स गो, मैं जा रहा हूँ नीचे। अरे 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 बाप रे, गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी होता है। ओह माय गॉड, ये तो हूबहू सेम टू सेम वही जगह है जहाँ से मैंने खुदाई करनी स्टार्ट की थी और मैं वापस वहीं आ गया। बट ये कैसा वर्ल्ड है, यहाँ कोई सूरज नहीं है, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है भाई, और यहाँ पर गाइस को इंसान भी नहीं है। अरे बच्चे मुझे बचा, जल्दी बचा फ्रैंकलिन, मुझे बचाएगा तो पैसा पाएगा। अरे ये मेरे को मार देगा। अरे इसकी बड़ी, इसकी बड़ी, तो तू हमारी दुनिया में आके यहाँ पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है हम पे। अरे मैं तो एक दुनिया को दूसरी दुनिया से मिलाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि दोनों दुनिया का भला हो पाया, लेकिन तुम तो मुझे जला जला के मार रहे हो। डॉक्टर मैक्सिटो को ये लोग लिटरली में भाई लावा नहीं फायर बकेट में जला रहे हैं पूरी तरह से। मुझे सारे के सारे इन इसके बड़ीज को ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर मैक्सिटो से पूछना होगा कि वो भाई ऐसा क्यों कर रहा था, वो इस दुनिया को हमारी दुनिया से कनेक्ट क्यों करना चाह रहा था। खैर ए सबके सब इसके बड़ी सामने से हटाओ, अब उसके बड़े ये यूएफओ मैन इधर क्या कर रहा है? अरे इसके बड़ी हमारी दुनिया में तो कोई यूएफओ आ ही नहीं सकता, इसके बड़ी मैंने उसको बुलाया मुझे बचाने के लिए। अच्छा तो इसके बड़ी तू यहां पर इस मैक्सिटो को बचाने आया, इसके बड़े बिल्कुल सही कहा, और मैं तुमको पीटने भी आया हूं। अच्छा इसके बड़ी पीटने वाला तू होगा, इसके बड़ी ओ भाई साहब ये अपने हेड से क्या खतरनाक लेजर मार रहा है मेरे को, मेरी बैंड बजा दी। ये रेड सन लेजर, इसके बड़ी कैसी लगी हमारी लेजर, इसके बड़ी बहुत बुरी लगी भाई, प्लीज मेरे को मत मार। ओ नो 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 नो, अरे बाप रे। चलो गाइस वैसे बहुत टाइम से जो मैं कर नहीं पा रहा था अब ट्राई करता हूँ करने का। मैं यहाँ पर अपने आप को हमेशा से एक यूएफओ में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा था, तो गाइस आज हम फोकस करेंगे। आप लोग प्लीज जल्दी से कमेंट में यूएफओ मैन ओपी लिखिए, मुझे आप सभी की मदद चाहिए। कम ऑन यूएफओ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल मोड, लेट्स गो। मैं एक यूएफओ बन चुका हूँ, वो भी बहुत बड़ा भाई। और गाइस मेरा यूएफओ बहुत स्पेशल है, इसमें सुपर आर्म्स लगी पड़े हैं, सुपर खतरनाक वेपन्स हैं। तो चलो गाइस ट्राई करते हैं। और उसके बड़ी ये गोली की बरसात कहाँ से हो रही है? और बच्चे ये तो फ्रैंकलिन ही है जो तुम्हारी बैंड बजाएगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मैक्सिटो, अब ये लोग मुझसे नहीं बचने वाले। और उसके बड़े वो क्या मार रहा है ये? और उसकी बड़ी बचा, अब तुम लोग नहीं बचने वाले। ये लो सुपर यूएफओ रैपिड फायर बुलेट्स अटैक, और उसकी बड़ी मार। ओ भाई साहब क्या भाई साहब, तीन स्किबड़ी का गेम खत्म, और अभी ये लास्ट वाला बचा है। गाइस डुअल मोड में मैं यहाँ पे फायर कर रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पर स्किबड़ीज की हालत खराब हो रही है मेरे को लग रहा है कुछ ही सेकंड में ढेर हो जाएंगे पूरी तरह से। फाइनली गाइस जितने भी स्किबड़ीज थे हमने उसको अच्छे से सबक सिखा दी, और यहाँ पे लास्ट वाला जो बचा है इसकी भी अच्छी खासी बैंड बच गई है। और उसके बड़े हम वापस आएंगे और तेरे को छोड़ेंगे नहीं, हमारी दुनिया में हमें पीटा। और बाप रे, और शुक्रिया तेरा बच्चा, और तूने मुझे बचाया, और मैंने नहीं सोचा था तू इतना बड़ा हो जाएगा, मैंने सोचा था तू छुट्टू मुट्टू होगा, और वैसे तो इतना बड़ा कैसे हुआ। अब गाइस मैक्सिटो को क्या बताऊं, मैंने इसकी गन चुरा के ही यहां पर इतने बढ़िया खतरनाक तरीके के सूट खरीदे हैं। और बच्चे मेरे पास जितने भी पैसे ले ले, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि तू बढ़िया सूट खरीद पाए, पर तू चिंता मत कर, इतना पैसा मेरे पास से ले। बाकी मेरे कुछ सूट हैं जो माउंट चिलियट पे जाके तबाही मचा रहे हैं। माउंट चिलियट पे जाके पहले देखते हैं 50 मिलियन में। अरे नहीं यार, 50 मिलियन में तो अभी जस्ट लास्ट मैंने सूट खरीदा है, नेक्स्ट सूट 100 मिलियन का है, तो आई थिंक हमें माउंट चिलियट पे जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर मैक्सिटो के कुछ सूट हैं हल्के जो वहां पर तबाही मचा रहे हैं, तो गाइस हम एक अच्छा काम भी कर लेंगे और साथ साथ में भाई खुद के लिए एक बढ़िया सा टाइटन लेवल का यूएफओ मैन का सूट भी खरीदेंगे। और गाइस अभी मैं भूला नहीं हूं सिंचन की मैं अच्छे कहां से बैंड आऊंगा, उसने लिटरली में भाई मेरे को ये चीज होने पर ये बनने पर मजबूर किया है, वरना मैं तो सोच भी नहीं रहा था। ओए ओए मजा आएगा, ओए क्या बात है, आ रहा है बिल्कुल सही कहा, और कितने बढ़िया इंसान है। ओए बिल्कुल, ओए मैक्सिटो चला गया, ओए अब तो हमारी मौज है, ओए हम जिसकी चाहे उसकी बैंड बजा सकते हैं। गाइस ये बेचारे टूरिस्ट को मार रहे हैं भाई, इससे हमारे देश की क्या पहचान बनेगी दूसरे लोगों पर, कोई हमारे देश में नहीं आएगा डर की वजह से। अरे भैया तुम्हारी मदद
मत कर दे नीचे जाने में। अरे ना सर जी, हम खुद चले जाएंगे। अरे नहीं कर देते हैं मदद, ई लो। अरे भैया बचाओ, मैं बचाओ। ओ भाई साहब, ये लिटरली में भाई सबके सब टूरिस्ट को भगा के मानेंगे और यहाँ पर हमारे शहर का नाम बदनाम करेंगे। ओह नो, इसने तो यहाँ पर इतने बढ़िया टूरिस्ट को नीचे ही गिरा दिया। शुक्र है उनके पास पैराशूट है तो वो बच जाएंगे। गाइस मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चुपचाप जाता हूँ, अपने सूट से बाहर निकल गया हूँ अभी मैं फाइनली। अगर मैं सूट में जाता तो मेरे को देख लेते और भग भी सकते थे, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं चुपके से पीछे जाऊँगा और तीन तीनों भाइयों को भाई पैसों में कन्वर्ट करूंगा। ऑल राइट, सबसे पहले इसका नंबर ये अबे क्या होगा? अरे भाई यही क्या होगा, हमारा भाई का क्या, मुझे क्या पता। अरे मजा आ रहा है मुझे तो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे मार दिया, सबको मैंने पैसों में कन्वर्ट किया और टोटल मेरे पास 100 मिलियन हुआ। गाइस मुझे जल्दी से हॉस्पिटल को कॉल कर लीजिए, एम्बुलेंस आके इस वाले बंदे को ले जाएगी। बाकी चलो जाते हैं हम और जाकर अपने सूट में चेक करते हैं कि 100 मिलियन डॉलर में जो सेकेंड लास्ट यूएफओ मैन का सूट है उसका साइज कितना है, उसकी एज कितनी है। अभी मेरी एज 5 लाख साल है, ठीक है गाइस, और मेरे पास आर्मी एलिमेंटल है। ये क्या है? अरे एक मिनट गाइस, ये तो नेचर टाइप का कोई सूट लग रहा है। भाई साहब, ग्रीन एंड गोल्डन यूएफओ मैन का सूट जो भी 2 करोड़ साल का है भाई, कितना बड़ा है यार, मजा ही आ जाएगा। गाइस चलिए जल्दी से चेक करते हैं कि असल में यहाँ पर शहर में क्या चल रहा है। अरे अरे ब्रेकिंग न्यूज, पहले चेयर का कतरा पिज्जा का कतरा, मासूम बच्चे पिज्जा का खा के बीमार हो रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारी हो रही है कि ना तो सो रहे हैं ना उठ रहे हैं, ऊपर से कोई इलाज भी नहीं है। पिज्जा खा के लोग बीमार हो रहे हैं? अरे ये क्या गाइस, पिज्जा इतनी बुरी चीज भी नहीं है कि लोग लिटरली में भाई ऐसे बीमार हो रहे हैं कि ना सो रहे हैं ना उठ रहे हैं। मेरे को देखना पड़ेगा कि असल में चल क्या रहा है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को क्या हुआ? अरे नहीं, मेरा छुट्टू, मेरा 1 साल का बच्चा। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पे बेचारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सैड है लिटरली में भाई। देखिए उनके मासूम छोटे छोटे बच्चे। एक मिनट, इन सबके बच्चों के कलर भी अजीब से हो गए भाई पिज्जा खा खा के। ये सब तो ह्यूमंस के बेबी हैं, इन सबके कलर ऐसे क्यों हो गए? पक्का गाइस वो जो पिज्जा थे वो पॉइजन थे, किसी ने उनमें जहर मिलाया। एक मिनट भाई, पिज्जा से याद आया, अपना सिंचेन भी तो पिज्जा मैन है। और वो पिज्जा मैन नहीं है गाइस, वो टाइटन पिज्जा मैन है। कहीं इसके पीछे सिंचेन का तो हाथ नहीं है? लेकिन नहीं यार, सिंचेन ऐसा क्यों करेगा गाइस? ये बात तो पता करने के लिए हमें यहाँ पर सिंचेन के पास ही चलना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, जल्दी सिंचेन के पास जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने सिंचेन को माइनशाफ्ट के पास देखा था, तो चलो गाइस उधर ही आ जाते हैं हम। काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अब तो पूरी दुनिया मेरे साथ आ जाएगी, सबको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। एक मिनट, अभी तू कौन है? मेरा नाम है यूएफओ मैन, और बहुत जल्दी मैं टाइटन यूएफओ बनूंगा। पहले सिंचन ये बता, कहीं तेरा हाथ तो नहीं है जितने बच्चे हैं उन सबको बीमार करने के पीछे? अरे मैं उनको बीमार नहीं, ताकतवर बना रहा हूँ। वो सब पिज्जा खा के मेरे गुलाम बन जाएंगे, बहुत जल्दी वो जायंट हल्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओ तो तभी उनके कलर बदल रहे हैं, क्योंकि गाइस वो कुछ एलिमेंटल तरीके के हल्क बन जाएंगे और यहाँ पर सिंचन की कैद में आ जाएंगे। नहीं सिंचन, तू किसी के माँ बाप को बच्चों को ऐसे कंट्रोल में नहीं ले सकता। अच्छा, फिलहाल तो मेरी आर्मी आ रही है आपको कंट्रोल में लेने के लिए। भाई साहब, 1 2 3 4 5 पांच पिज्जा मैन के जायंट सूट में तरफ आ रहे हैं सीधा और मुझे सीधा मार रहे हैं। अरे कोई बचाओ। फ्रेंकी भैया, आप तो आप गए। नहीं नहीं गाइस, ये तो मेरे पूरे यूएफओ मैन के सूट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं जल्दी से सुपर यूएफओ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूं कन्वर्ट, और यहां पर इन सबकी बैंड में आता हूं। ओ बॉय साहब, ये क्या स्मैश अटैक दे रहा है मेरे को, एक्सप्लोजन अटैक दे रहा है, मेरी तो हालत खराब कर दी। ओ माय गॉड, प्लीज यार प्लीज। ओ नो गाइस, मेरा सूट यहां पे पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है, अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहां पर मेरी एज देखिए फिर से भाई 29 हो गई। नहीं प्लीज, ये सब क्या हो गया? गाइस कोई बात नहीं है, मैंने जिस हिसाब से जिस मेहनत से अपने आप को 2 करोड़ तक लेके गया था, अब मैं आपको 20 करोड़ लेके जाऊंगा। उसके लिए मैं सिंचेन के पांचों पिज्जा मैन के सूट को पैसों में कन्वर्ट करूंगा। गन मेरे पास अभी भी है, तो गाइस सबसे पहले ये ले। वाह, एक सूट से 50 मिले, दूसरे से फिर 50 मिले, 100 हो गए भाई। इसी तरह से मुझे 3 सूट से और 50-50 मिले, तो टोटल 250 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। ओके गाइस, पीछे वाला सूट है वो मेरे को देखना ले, इसलिए थोड़ा छुप के मारूंगा यहां से, ठीक है? ऑल राइट, अभी बस 1 सूट बचा है। अरे ये मेरे सूट्स कहां जा रहे हैं? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। लो फाइनली गाइस, मेरे पास 250 मिलियन हो चुके हैं। अब जल्दी से स्मार्टफोन निकालता हूं, उम्मीद करता हूं भाई वो डैमेज ना हो गया ओ लड़ाई पिटाई के चक्कर में। गाइस मेरा सूट बेसिक डिसेबल हो गया, बट भाई मुझे एक भी आंच नहीं आने दी मेरे सूट ने। थैंक यू सो मच भाई यूएफओ मैन के सूट। व्हाट, 250 मिलियन में ऑल फादर यूएफओ मैन का सूट मिल रहा है? वाह भाई साहब, इसको कहते हैं सीधा टाइटन लेवल का।
सूट। सिंचेन की एज तो सिर्फ 18 करोड़ है, मेरी तो सीधी यहाँ पर 30 करोड़ एज हो गई भाई। अरे फिंकी भैया, आप इतनी बड़ी कैसे हो सकते हैं? अभी बताता हूँ गाइस, सुपर रैपिड UFO कॉन्फ्रेंस अटैक। कॉन्फ्रेंस? अरे ये क्या है गाइस? मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे UFO को कॉन्फ्रेंस कॉल किया और उन सबको बुला लिया अपने पास। अब ये सारे UFO ब्लास्ट होने जा रहे हैं सिंचेन के पिज्जा मैन के सूट के पास। तूने यहाँ पर मासूम बच्चों को और उनके माँ बाप को अपना गुलाम बनाना चाहता ना सिंचेन? अभी पता चलेगा तेरे को, तू पागल हो चुका है। भैया मुझे माफ कर दो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उनको चोट पहुंचाना। लेकिन तेरा इंटेंशन था ना उनको लिटरली में भाई अपना गुलाम बनाना, वो तो गलत था। लेट्स गो गाइस, हमने सिंचेन को अच्छा सबक सिखाया ना? यस या फिर नो लिख के कमेंट में बताओ। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगी। थैंक यू सो मच।